अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारा चौथा लेक्चर। हमारे तीन लेक्चर्स हो चुके हैं। आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पिछले जो तीन लेक्चर्स हो चुके हैं उनके बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको पिछले तीन लेक्चर्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर आपको जवाब दूंगा। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी मुझ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे तभी मैं काम सही से कर पाऊंगा, मेरा हौसला बढ़ेगा और ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल होगा। तो आज हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की जानिब। आज हमारा लेक्चर नंबर 4। हम पहले तीन लेक्चर्स ले चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने 4 लेटर्स पढ़े, दूसरे लेक्चर में हमने 8 पढ़े, 12 हुए, तीसरे में हमने 8 पढ़े। टोटल हमारे पास 20 लेटर्स हम बल्कि कि अब तक सीख चुके हैं, मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह समझ आ रही होगी। तो आज हम अपने चौथे लेक्चर की जानब बढ़े, तो आइए शुरू करते हैं अपना चौथा लेक्चर। आज हमारा चौथा लेक्चर है, तो चौथा लेक्चर का जो पहला लेटर है यानी हमारा 21st जो लेटर है, अल्फाबेट है, वो है पा। पा को कैसे लिखा जाता है? पा जिस तरह हमने ना लिखा था या उसी तरह बिल्कुल ये सेम स्ट्रक्चर है, या जिस तरह हमने रा लिखा था बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको यहां से दिखा सकूं तो ये रा का हमने क्या किया था, मैं हाइलाइटर से बताऊंगा आपको। रा का हमने ऐसे लिखा था, यूं रा लिखा था। अब क्या कि ये देखो, इसको हाफ काटा है, यहाँ से इधर खाली जगह छोड़ी है और रा को हमने मुकम्मल किया है, और ये जो रा का हमने जो यहाँ इधर ऐसा बढ़ाया था उसको खत्म कर दिया और इसको आगे पहुंचाया है रा को। और इसके बाद जिस तरह हमने ला के लिए एक लकीर नहीं खींची थी ऊपर, बिल्कुल वैसे ही लकीर एक ऊपर खींची है, तो ये हमारे पास बन जाता है पा। हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कहते हैं तिब्बत पा कहते हैं, या पाकिस्तान पा कहते हैं, या गिलगित पा कहते हैं। जो कौमियत हम या इलाकायत जाहिर करने के लिए हम जो पा ला वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं हमारे हम बस्ती में, तो हम पूरे वर्ड को, पूरे एक नाउन को या वर्ब को इसी एक पा से, जिसे हमने या को प्रोनाउंस किया था बिल्कुल, एक मछली को हमने एक लेटर से प्रोनाउंस किया था, इसी तरह पूरे एक जो ये एक वर्ड को हम एक लेटर से प्रोनाउंस कर सकते हैं। पा को उर्दू में पे लिखा जाता है, उर्दू में हम इसे पे लिख सकते हैं, और इंग्लिश में पी से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ये हमारे पास आज का 21st बल्ती स्क्रिप्ट का लेटर है। तो इसके बाद हमारे पास अगला आता है फा। फा और पा में बिल्कुल सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ ये इस एक लकीर का फर्क है, ये एक लकीर का फर्क है। ये लकीर अगर आप पा में ये लकीर लगाएंगे तो ये खा बन जाएगा, वरना ये लकीर ना लगाएंगे बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास पा रह जाएगा। फा के लिए हम कहते हैं जितने भी फे उर्दू में इस्तेमाल होता है या पे है तो चश्मी के वर्ड उर्दू में है, उन सब के लिए हम यही एक इस्तेमाल करेंगे। मतलब फे और पे है तो चश्मी दोनों के लिए एक फा ही है, यही है, और हमारे पास फे के लिए कोई अलग से लेटर मौजूद नहीं है। उर्दू में इसे फे हेदु चश्मी भी लिख सकते हैं और पे हेदु चश्मी भी लिख सकते हैं, और उर्दू में इसे फे भी लिख सकते हैं। और जिस तरह फे फलान वाले फे और पे हेदु चश्मी फल वाला, पे हेदु चश्मी फल जिस तरह लिखते हैं फ्रूट, ये फल वाला। और इंग्लिश में इसको एफ से भी डिनोट किया जाता है और पी एच से भी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। पी एच जिस तरह फून में पे साउंड है और जिस तरह फिल्म में एफ साउंड है, ये दोनों इसी फा से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं और लिखते हैं। हमारे पास ये सिंगल लेटर है फा और था दोनों को प्रोनाउंस करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है अगला बा। बा बिल्कुल पा ही है, लेकिन पा में हमने देखा था कि ये वाला इलाका है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये वाला कटा हुआ था। अगर आप पा लिखे और ये वाला इलाका आप मिला दें एक दूसरे से, ये वाली जो गैप है इसको खत्म कर दे, तो हमारे पास बन जाता है बा। जिस तरह ये पीछे ये पा है, पा के ये वाला, ये जो हाईलाइट गैप है, ये वाला गैप हमने खत्म कर दिया और हमारे पास बन गया
स्टूडेंट्स, हा के बाद हमारा आता है अगला बा। बा और पा तकरीबन सेम है, मिलते जुलते। फर्क सिर्फ इन दोनों में ये है कि बा पा में जो हमारे पास ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है वो बा में इसको कनेक्ट किया हुआ, ये एक दूसरे से मिले हुए, और इसमें कोई गैप नहीं, ये मुकम्मल कंप्लीट ये क्लोज पाथ है। ये हमारे पास बा बन जाता है। उर्दू में इसे हम बे लिखते हैं और इंग्लिश में इसे बी लिख सकते हैं। और उर्दू अगर हम बल्ती में कहें तो हम बिला, जब बिल्ली को जो बोलते हैं ये वाला बे, इसको बा से हम लिखते हैं। बा के बाद हमारे पास अगला आता है मा। मा ये बिल्कुल आप देखें, ये ना ही है ना, आप इसको ना को इन्होंने शॉर्ट किया है, ये गोलाई दी है। गोलाई के बाद ये ना ने नीचे जाना था, लेकिन ना को इधर से काट के क्या किया है, ना को सीधा ऊपर एक लकीर, एक इसको नीचे भेजने के बजाय ऊपर भेजा है, तो ये बन गया है माँ। माँ को इंग्लिश में एम से लिखा जाता है, एम लिखे तो ये माँ का मतलब पूरा हो जाता है, और उर्दू में इसे हम मीम से माँ का साउंड पूरा कर सकते हैं। और जब हम माँ कहते हैं तो अमो कहते हैं, खरमंग हमारे खरमंगी एसेंट में अमो कहते हैं, तो उस अमो में जो माँ है, मीम का जो साउंड है, वो इसी माँ जो लिखा हुआ है इसी से लिखा जाता है। माँ के बाद हमारा होता है ये आपको बहुत यूनिक साउंड है, बल्कि में ये तकरीबन बहुत सारे लैंग्वेजेस में नहीं है, मोस्ट ऑफ लैंग्वेज, ये कुछ लैंग्वेज में, और बल्कि इज वन ऑफ द लैंग्वेज की इसमें ये वाला साउंड है। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे यहाँ के से, जिस तरह उर्दू में ये जो तीन नुक्ते वाला रे है, जो जालाबारी है, जालाबारी जो कहते हैं, ये उस साउंड से इसको लिखा जाता है। इंग्लिश को, इंग्लिश में इसको लिखने का वायल इसमें कोई ऐसी कोई खास नहीं, इसको मुख्तलिफ जे से भी लिखा जाता है और जे के मुख्तलिफ शेप से लिखा जाता है, लेकिन उर्दू में इसके लिए है रे के ऊपर जो तीन नुक्ते लगाते हैं, जिसको हम गलती से आज तक ताला बारी कहते रहे, वो उर्दू में दरअसल ये जाला बारी है। जिस तरह मिजगां कहते हैं आंखों के जो पलकों को, फारसी में मिजगां कहते हैं, इसी तरह ये है, और ये बिल्कुल ना ही है। आप देखें ये ना है, फिर जो ला का जो गोल हमने दायरा था वो दायरा हमने इसको ऐड किया, और जो ना का जो आगे जो यहाँ से आगे बढ़ा था उसको हमने कट किया, तो हमारे पास ये बन जाता है या। इसे हम यिंग कहते हैं, खेत को बल्कि में कहते हैं यिंग, खेत को क्या पढ़ेंगे, और खेत जो यिंग जो हम लिखते हैं उसका जो पहला लेटर है वो हमारे पास यही है। इसके बाद हमारे पास आता है जा। जा आपको मैं अगर याद हो तो हमने एक पिछले एक लेटर पढ़ा था, उसका वो था जा हमारे पास। अगर आप जा को, ये जो जा है ये बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये जो लिखा है ये है जा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास जा जा बनेगा। और जा ये उर्दू में इसको जुए भी लिखते हैं, जात भी लिखते हैं, जाल भी लिखते हैं, जे भी लिखते हैं, ये जो चार पांच लेटर है। और इंग्लिश में इसको जट से, हम जो जट का साउंड है वो इसी से हमारे पास पूरा होता है। तो इन चार पांच साउंड के लिए बल्ती में ये वाहिद लेटर है, जो कि ये उर्दू में जितने साउंड है वो सब प्रोनाउंस हम कर सकते हैं। इसे हम जान, खाने को बल्ती में जान कहते हैं, तो वो जान इसी जा से आता है। अगर हम जरूफ कहें बल्ती में, वे से उर्दू में आता है, लेकिन हम बल्ती में फिर भी उसे इसी एक लेटर जा से लिखेंगे। जा के बाद हमारे पास आता है आ। आ के दो हैं, आगे एक और पढ़ेंगे, वो उसमें साउंड थोड़ा लंबा है, ये साउंड थोड़ा छोटा है। इसमें आप देख लें तो ये बिल्कुल ला ही है, लेकिन ला का जो ये वाला लकीर है, ये जो हमने ला का जो लकीर है इसको काटा है, तो ऐसे ही जाने दिया, तो ये हमारे पास बन जाता है आ। आ आमतौर पर ये इसको एराब नहीं माना जाता है, लेकिन बाज अवकात एराब के मामलों में, या छोटे ए का जो छोटा साउंड है, सब सिलेबिक साउंड है, मतलब जिसमें शॉर्ट ए का साउंड, इससे हम निकाल सकते हैं। ए के लिए हमारे पास दो लेटर है, एक में लॉन्ग ए के लिए है और एक शॉर्ट ए के लिए, या जबर के मामलों में हल्का सा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ला का जो हमने ऊपर जो उत्ती लकीर थी, सीधी लकीर थी, सीधे नीचे से ऊपर जो लकीर जा रही थी उसको काटा है, तो ये हमारे पास बन जाता है आ। आ के बाद हमारे पास बन जाता है, आता है आ, आ, या। या कैसे लिखा जाता है, या आप देखें ये एक हिस्सा है, ये जिस तरह ना मा में जो हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, जो नीचे से ऊपर गया, ये बिल्कुल वी को थोड़ा टेढ़ा किया हुआ है, और ये
यू को थोड़ा यू को गोलाई दिए तो ये हमारे पास बन जाता है या उर्दू में छोटी ये बड़ी ये दोनों उर्दू में इसे या को लिखने के लिए हम बल्ती का जो या उर्दू में अगर लिखेंगे तो ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। अगर बल्ती को हम रोमन में लिखें तो हम इसको या को वाई से या आई ए से हम या लिखते हैं, या से हम मुख्तलिफ या हाँ कहते हैं, ठीक है अगर हम बोलना चाहें तो बल्ती में कहते हैं या, तो ये या वो जो वर्ड है वो इसी लेटर से हम वर्ड लिख लेते हैं। या के बाद हमारे पास आता है हा। हा को उर्दू में हा और हा एक है और एक है हा, ये दोनों वर्ड इसी एक से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर हुसैन है सीन ये नून है वो भी इसी से लिखेंगे, और हम ये जो ये हवा है छोटी है हवा हल्की है वो भी इसी से लिखेंगे इन दो लेटर्स के लिए। ये एक है और उर्दू में इसको है भी लिख सकते हैं और है भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में हम इसे एच लिखेंगे। ये लिखने का क्या तरीका है ये आप देखें, ये ऊपर से आ गया ये बन रहा था हमारे पास दा बन रहा था लेकिन हमने नीचे जाने नहीं दिया, इसको क्या किया इधर बी से काट कर ता का जो हमने गोलाई दी हुई थी वो वाला हिस्सा इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये तकरीबन दिल का 1/3 दिल बन गया हमारे पास। ये देखो इसको हम दिल मुकम्मल करेंगे, ये हमारे पास बन गया दिल। तो ये हमारे पास आ जाता है हा। हा के बाद हमारे पास आ जाता है आज का आखिरी जो लेटर है, यह आज के बाद इसके इस ये आखिरी लेटर है, इसके बाद हमारे पास जो कदीम कॉन्सनेंट्स है ऑल तिब्बतन स्क्रिप्ट के जो मेन है कॉन्सनेंट्स वो पूरे हो जाएंगे। इसमें क्या है ये तकरीबन या से सेम है लेकिन क्या है या और ये आ सेम है लेकिन सिर्फ इस हिस्से में सेम है। इसके बाद ये इधर एक छे लिख दिए है, छे के बाद छे को मुकम्मल नहीं करना है, सीधा ऊपर दाएं जाने हमने तिरछी लकीर खींचना है, तो ये हमारे पास बन जाता है आ। इसका मैंने ये जो दो नुक्ते लगाए हैं तो इसका मतलब है कि इसका साउंड थोड़ा लंबा है, अलिफ ता अलिफ वगैरह उर्दू में हाँ या आयन भी इसे लिख सकते हैं कभी कभार, ये आयन आ और ये जो आ है दोनों से हम आयन को लिख सकते हैं। तो आज तक के लिए हमारा लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, हमारे पास 30 कॉन्सोनेंट्स पूरे हो गए। आई होप कि आप लोगों को हर बात समझ आई होगी, कल से हम आप लोगों को मजीद जो 10 है एडिशनल है वो सिखाएंगे, फिर उस 10 के बाद हम आपको एराब सिखाएंगे, फिर इसके बाद लेटर्स बनाना वर्ड्स बनाना सिखाएंगे, फिर वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, फिर हमारे पास इंशाल्लाह हमारा लेक्चर ये जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अपने दुआओं पर याद रखें, लेकिन चैनल को अगर आप नए हैं पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थंब का बटन है लाइक का बटन है वो जरूर दबाएं, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो फिर आप उनको रेफर जरूर करें, उनको जरूर बताएं। तब तक के लिए अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।